पूरे देश की तरह मंडी में भी भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों व अधिकारियों का हड़ताल पर बैठने का मुख्य उद्देश्य उनकी विभिन्न मांगों को आज तक न मानना है। हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए बीएसएनएल के संयोजक अश्विनी शर्मा ने बताया कि बीएसएनएल के सभी कर्मचारी व अधिकारी वर्ग यूनियन और एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है, जिसमें उनकी मुख्य मांग सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को 3रे वेतन संशोधन को 15% फिटमेंट के साथ 1 जनवरी 2017 से लागू करना है। वहीं बीएसएनएल के सहायक टावर कंपनी के गठन को भी रोकना है। यदि भारत सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल दूरसंचार सेवा देने वाली एकमात्र कंपनी है जो कि सामाजिक दायित्व हेतु दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी लाभ के सेवाएं प्रदान कर रही है, इसलिए इसके कर्मचारियों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें 2 मुद्दे विशेष हैं, जिसमें 1/17 से वेतन संशोधन लागू करना 15% फिटमेंट के साथ, और जो बीएसएनएल की एक सहायक कंपनी बनाई जा रही है टावर कंपनी, उसको रोकना। इन दोनों मुद्दों के तहत हमने हड़ताल का यहां पर आयोजन किया है, जिसमें सभी 100% सभी कर्मचारी व अधिकारी यहां इकट्ठे हुए हैं। अगर सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जल्द, तो जल्द ही ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दी जाएगी। मेन मुख्य हमारा मुद्दा ये है कि क्योंकि भारत संचार निगम ही एक ऐसी कंपनी है जो कि दुर्गम क्षेत्रों में बिना लाभ की परवाह किए अपनी सेवाएं देती है, और उनको संशोधन जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।